आप देख रहे हैं वैदिक टीवी, राधे राधे और मैं हूँ मेघा। लहसुनिया धारण करने से दूर होंगे सभी रोग, और क्या है इसके अन्य लाभ, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्नों का ग्रहों से संबंध होने के कारण हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह से किसी एक रत्न का संबंध होता है, इसलिए कहा जाता है रत्न धारण करने से विशेष ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रत्न पहनने से न सिर्फ सकारात्मकता आती है बल्कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इन्हीं रत्नों में एक रत्न है लहसुनिया। लहसुनिया धारण करने से केतु शांत रहता है। और कौन सी है महत्वपूर्ण बातें, चलिए जानते हैं। वास्तु कहता है किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु की दशा लगी हो, उसके जीवन में काफी परेशानियां रहती हैं। मन हमेशा विचलित रहता है, वो किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाता, हमेशा पैसे की परेशानी उससे घेरे रखती है, तो ऐसे में उसकी केतु की स्थिति खराब है। और केतु की स्थिति खराब होने की वजह से इंसान को बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। लहसुनिया रत्न केतु ग्रह से संबंधित होता है। लहसुनिया धारण करने से केतु का प्रभाव शांत रहता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। इसके अलावा इससे रोगों का इलाज भी होता है। अगर कोई बच्चा सांस या फिर निमोनिया जैसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे लहसुनिया धारण करना चाहिए। गर्भवती स्त्री के सिर में लहसुनिया बांधने से प्रसव जल्दी होता है। पीलिया रोग में भी लहसुनिया लाभदायक होता है। लहसुनिया से न सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि व्यक्ति की बुद्धि का भी विकास होता है। व्यक्ति स्वयं को ऊर्जावान महसूस करता है, उसका मन पॉजिटिव रहता है और कार्यों में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन लहसुनिया धारण करना शुभ रहता है। दोस्तों, आप कोई भी रत्न धारण करें उससे पहले आप अपने किसी खास विशेषज्ञ या फिर जो रत्नों को समझता हो उस विशेषज्ञ से जरूर बात करें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी रत्न का वीडियो YouTube पर देखा और उसे पहन लिया।